हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। हेयर स्टाइल ट्रेंड्स हो या फिर कपड़ों का फैशन, ये चीज़ हमेशा रिपीट होती ही है। और जब मैं इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग कर रहा था तब ये बात मुझे प्रूव हो गई। ये बात मैं आपको आगे चल के प्रूफ के साथ प्रूव कर सकता हूँ, तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल दी एंड। तो चलो चलते हैं हम आज की पहली हेयर स्टाइल पे, जो कि है द मेसी लुक। अब अल्लू अर्जुन सर की पुष्पा आने के बाद और विजय सर की लाइगर के अनाउंसमेंट के बाद ये हेयर स्टाइल 2022 में टॉप पे रहने वाली है, ये चीज़ की मेरी गारंटीड है। अब ये हेयर स्टाइल को बनाना कैसा है, इस चीज़ का ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उसका लिंक मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, नहीं यहाँ। इस हेयर स्टाइल को अचीव करने के लिए थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स है, आपके बाल थोड़े से लंबे होने चाहिए। बाकी उसके अलावा पूरी हेयर स्टाइल को कैसे अचीव करना है, इस चीज़ के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो मेक श्योर आप उस जाके वीडियो को देखो। बाय द वे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरा नाम मोहित है और मैं इस चैनल पर मेंस ग्रूमिंग, मेंस फैशन से रिलेटेड बात करता हूं। तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप और मैं मिलकर कम्युनिटी बिल्ड कर सकें। तो चलो हम चलते अपनी अगली हेयर स्टाइल पर, जो कि है द क्लासिक मैन बन। अब ये सुन के आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, पर तुम्हारे भाई को बोलने का मौका तो दो। रुको जरा, सबर करो। मैन बन, हाफ मैन बन, लंबे बाल, ये हेयर स्टाइल्स हमारे पूर्वजों से फेमस रहे हैं। हम केवमैन की फोटोज देखते थे और उस वक्त भी मैन कम्युनिटी के लंबे बाल होते थे, और आज भी सबकॉन्शियसली बहुत लोग बड़े बालों को डोमिनेंट से कोरिलेट करते हैं। तो जाओ एक बार ट्राई तो करो बाल लंबे करने की, अगर मैं लंबे कर सकता हूँ तो मेरे भाई क्यों नहीं कर सकते। बाल बढ़ाने में कोई भी दिक्कत आए, तुम्हारा भाई बैठा है, मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मेरा यूज़र आईडी है मोहित, उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। उसी के साथ साथ मैंने अपने चैनल पे एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जो गारंटीड तुम्हें हेल्प करेगी बाल बढ़ाने में। तो भाइयों, मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि तुम आज से ही बाल बढ़ाना शुरू कर दो, इसके बहुत सारे फायदे हैं, मैं तुम्हें टिप्स भी गिना सकता हूँ। फर्स्ट, तुम्हारा ऑरा डोमिनेंट वाला हो जाएगा, जिससे मैंने केवमैन वाले पॉइंट में बोला था, तुम 100 लड़कों में अलग से दिखोगे, ये मेरी गारंटीड है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारे पास हेयर स्टाइल्स बनाने के बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे। तो चलो हम चलते हैं अपनी अगली हेयर स्टाइल पे, जो कि है द क्लासिक हेयर कट। तो भाइयों, सारे फैशन ट्रेंड एक तरफ और फ्रेश क्लासिक हेयर कट एक तरफ। अगर मेरा भाई अलग अलग हेयर स्टाइल्स को ट्राई नहीं करना चाहता, उसको मैं बोलूंगा भाई चल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी एरा उठा के देख लो, कोई सा भी जमाना उठा के देख लो, तुम्हें हमेशा हैंडसम लुकिंग मैन विद क्लासिक हेयर कट उसमें जरूर दिखेंगे। सिर्फ आपको अपना हेयर कट टाइम टू टाइम लेना है, जिससे आपका फेस हमेशा फ्रेश दिखे। और वैसे भाई वाले लेवल पे सलाह दे रहा हूँ कि अलग अलग हेयर स्टाइल ट्राई जरूर करो, कौन रोका, बुरा हेयर कट हो गया कोई दिक्कत नहीं, 1 से 1.5 महीने में वो बाल वापस आ जाएंगे और फिर से तुम एक नया हेयर स्टाइल ट्राई आउट कर सकते हो। और 1.5 महीने निकलने में टाइम कितना लगता है, यूँ निकलता है। तो चलो हम चलते हैं अपनी अगली हेयर स्टाइल पे, जो कि है द साइड फेड। सबसे ज़्यादा फेवरेट हेयर स्टाइल्स इंडियंस की पिछले लगभग 5 सालों से। आप अपने बालों को साइड से फेड वे में कटवाते हो, छोटे बड़े 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 और ऊपर जाके मर्ज हो जाते हैं। इससे आपको एक क्लीन लुक मिलता है, आपका फेस कट शार्प लगता है और आपकी जॉ लाइन स्ट्रॉन्ग दिखती है। अब ये हेयर स्टाइल मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे भाई अभी हेयर स्टाइल एक्सपेरिमेंट को शुरू कर ही रहे हैं, उनके लिए एंट्री लेवल पर इससे अच्छी हेयर स्टाइल नहीं हो सकती। ये पिछले 5 सालों से ट्रेंड में है और आज भी मेजॉरिटी इंडियंस ये हेयर स्टाइल को फॉलो करते हैं। पिंटरेस्ट ऐप डाउनलोड करो, उसे खोलो, साइड फेड सर्च करो और बूम, तुम्हारे पास थाउजेंड्स में ऑप्शंस खुल जाएंगे। और जो भी हेयर स्टाइल तुम्हें पसंद आए उसका स्क्रीनशॉट लो या डाउनलोड करो और सीधा नाई भैया को जाके दिखा दो और बोल दो शेम टू शेम। तो ये थी मेरी आज की वो हेयर स्टाइल्स जो 2022 में ट्रेंड करने वाली है, एंड मेक श्योर कि आप इन हेयर स्टाइल्स को ज़रूर ट्राई आउट करो। और इन हेयर स्टाइल्स के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आपके फेस कट पे एक हेयर स्टाइल अच्छी नहीं लगी, तो आप एक साल भर में दूसरी बहुत सारी हेयर स्टाइल्स भी ट्राई कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और अपने भाइयों के साथ शेयर कर दो, ताकि आप और वो मिलकर 2022 को स्ले कर सको। अंटिल देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।